फार्म का जी ट्रैक्टर मॉडल है 3060 DI ST। ST का मतलब है दोस्तों कि हाई टॉर्क ट्रैक्टर है ये। इसमें जो आपको टॉर्क मिलेगी वो एक्स्ट्रा मिलने वाली है। तो आज इस ट्रैक्टर के बारे में पूरी जानकारी करेंगे, इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी इस फ्रंट से। तो फ्रंट में आपको कंपनी का ब्रांडिंग मिलेगी और नीचे आपको कंपनी का जो है लोगो मिलने वाला है, इंडोफार्म क्रोम टाइप में लिखा हुआ मिलेगा। इसके अंदर जो लाइट है, हेडलैम्प जो है वो हैलोजन टाइप की आपको मिलने वाली है। ये सिंगल पीस बोनट के अंदर आता है जी, लॉक के साथ खुलने वाला ट्रैक्टर है। यहां से आप इसको दबा के जो है खोल सकती हैं। फ्रंट में आपको एक मीडियम वेट का जो है बम्पर मिलने वाला है, जिसका लगभग जो वेट है वो 70 kg है जी। और ये ट्रैक्टर जो है ड्राई टाइप के एयर क्लीनर के साथ आता है जी। फ्रंट एक्सल जो है इसका वो आपको एडजस्टेबल एक्सल मिलने वाला है जी। ये देखिए आप, एडजस्टेबल एक्सल है। और ये ट्रैक्टर जो है आपको बैलेंसिंग रोड के साथ मिलेगा जी, पावर स्टीयरिंग की बैलेंसिंग रोड दी गई है इसके अंदर। फ्रंट टायर जो है इसके अंदर वो आपको 7/50/16 के मिलते हैं जी, और जो पिछले टायर हैं वो आपको मिलने वाले हैं 16/9/28 के। स्टैंडर्ड टाइप के टायर हैं जी, साइज जो है इनका खुला होता है जी, यानी कि कंपैरिजन में अगर आप देखो 16/9 टायर जब देखोगे आप तो थोड़े से ही हैं, खुले टायर लगेंगे, बड़े टायर लगेंगे जी देखने में। दोनों साइड जो है ट्रैक्टर के आपको जो है हीट प्रोटेक्टर मिलने वाला है, जो ट्रैक्टर के इंजन की गर्मी है ड्राइवर तक जाने से रोकता है जी। तो अब बात कर लेते हैं जी इसके इंजन की। किसान साथियों, ये जो ट्रैक्टर है ये 60 HP का डगरी का ट्रैक्टर है जी, बोश कंपनी का इनलाइन पंप इसके अंदर आपको मिलेगा जी। 4 सिलेंडर ट्रैक्टर है ये, जो कि 4150 क्यूबिक कैपेसिटी के साथ आता है जी। और जो अपनी ये पूरी पावर है वो 2200 RPM पे चल के जनरेट करके देगा जी आपको। ये ट्रैक्टर 4 व्हील और 2 व्हील दोनों के अंदर आपको उपलब्ध मिलेगा जी। और डबल पंप है इसके अंदर, पावर स्टीयरिंग का भी और जो पीछे लिफ्ट का भी डबल पंप है, यानी दोनों के सेपरेट सेपरेट पंप आपको मिलने वाले हैं। नीचे आपको जो है फिर ये लिफ्ट का फिल्टर मिलेगा और यहाँ पे जो है ये मैग्नेटिक फिल्टर है जी, यानी कि इसके अंदर जब तेल के अंदर कोई भी कण आता है जी, मोटा ब्रीक से ब्रीक लोहे का, तो वो उसको यहीं से मैग्नेट कर लेता है जी। और ये हर 100 घंटे बाद जो है इसको बदलना पड़ता है जी, साफ करना पड़ता है। तो उसके बाद बात कर लेते हैं जी इस ट्रैक्टर के इंजन के बारे में। कॉन्स्टेंट मैश गेयर बॉक्स है इसका, यानी कि कॉन्स्टेंट मैश की आपको ब्रांडिंग मिलेगी इसमें पहली लिखी हुई जी। और यह जो है जी अलग अलग स्पीड के साथ आपको मिलने वाला है। इसके अंदर जो ये लीवर है इसमें आपको अलग अलग स्पीड तरह की 4 स्पीड मिलने वाली है जी। ये हाई लो यहाँ पे मिलेगा आपको और एक हाई लो जो है यहाँ पे मिलेगा। T20 गियर बॉक्स की तरह जैसे फार्म ट्रैक के अंदर आपको T20 गियर बॉक्स मिलता है, उसी तरह ये ट्रैक्टर जो है सुपर सीडर को चलाने के लिए बनाया गया है, जिसके अंदर आपको कम स्पीड चाहिए उसके लिए आपको इसके अंदर जो है ये हाई लो का गियर बॉक्स यहाँ पे मिलेगा। और जो ये है ये आप देख रहे हो, इस गियर बॉक्स का यूज आप सुपर सीडर पे कम स्पीड ज्यादा स्पीड करने के लिए ये दिया गया है जी, यानी कि ये स्पेशल जो गियर है ये सुपर सीडर को चलाने के लिए इसमें दिया गया है, यानी कि अब इसके अंदर आपको जो है 4 स्पीड अलग अलग तरह की मिलने वाली है जी। कॉन्स्टेंट मैश गियर बॉक्स है जी, और इसकी जो मिनिमम स्पीड रहने वाली है वो 3 किलोमीटर से लेकर के 35.5 किलोमीटर की इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी। सीट इसकी एडजस्टेबल है जी। ये ट्रैक्टर जो है डुअल क्लच के साथ आएगा जी, और OIB टाइप के आपको इसके अंदर ब्रेक मिलने वाले हैं। प्लेटफॉर्म कुछ आप देख सकते हो तो इस तरह का है इसके अंदर। PTO की बात करूं तो इसके अंदर आपको 51 HP की PTO पावर मिलती है जी, और इसमें आपको 540 और रिवर्स PTO मिलने वाली है। ये रिवर्स PTO की आपको ब्रांडिंग मिलेगी। लिफ्ट कैपेसिटी की बात करूं तो इसके अंदर आपको लगभग 2400 kg की लिफ्ट कैपेसिटी आपको मिलेगी। और इस ट्रैक्टर का जो SFC है जी वो है 285 किलोवाट के अंदर है सर, ये
मडगार्ड काफी अच्छे चौड़े मडगार्ड है, इसके सीट एडजस्टेबल दी गई है और दोनों साइड मडगार्ड के ऊपर जो आपको सीट मिलेगी कि दूसरी साइड में जो बैठने वाले हैं उसके ऊपर सीट मिलेगी, ताकि जो आप कहीं लंबे रूट पे ट्रैवलिंग करो तो उसके लिए दूसरे व्यक्ति को बैठने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। और यहाँ फेंडर देखें आप, फेंडर के साथ में जो है बिल्कुल एक प्लास्टिक की मोल्डिंग लगाई गई है, जिससे कि जो ट्रैक्टर की लुक है वो काफी अच्छी और डैशिंग बन जाती है जी। काफी चौड़ा ट्रैक्टर आपको देखने में लगेगा जी ये। और ये डबल डीसी वाल्व इसके अंदर आपको मिल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सॉकेट मिल रही है, पीछे रिफ्लेक्टर है बोतल रखने के लिए गेज है, और बीच में आपको रोड मिलेगी। रोड इसलिए दी गई है जी ताकि जो ट्रैक्टर है वाइब्रेशन ना करे, मडगार्ड ज्यादा हिले डुले ना जी। पिछला हिस्सा जो है काफी मजबूत बनाया गया है ट्रॉली के हिसाब से बनाया गया है, और यहाँ पे जो टॉप लिंक को जो लॉक करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा होल्डर दिया गया है, ताकि आप यहाँ पे इसको होल्ड कर सको। देखिए ये इस पे होल्ड की गई है जी, और बिल्कुल मजबूत फट्टी है जी, काफी मोटी वजनदार फट्टी है, लिंक काफी अच्छी है जी, स्टेबलाइजर काफी मजबूत बनाई गई है। और हिच की बात करूं मैं तो इसके अंदर आप देखो हिच जो है ऊपर ब्रीक है और उसका डबल जो है नीचे बनाया गया है, यानी कि आपको अलग से एक्स्ट्रा कहीं पे भी हिच लगवाने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। ये पुराने जो इसमें लगाएगा वही आपकी ट्रॉली वगैरह में कामयाब होगा जी। उसके बाद बात करें इसकी लिफ्ट की सेंसिंग की, तो इसमें आपको तीन पॉइंट मिलने वाला है जी एडीडीसी के, ऑटोमेटिक डिफ ड्राफ्ट कंट्रोलिंग के तीन पॉइंट आपको मिल रहे हैं जी। और अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा डैशबोर्ड दिखा दूं, स्टेयरिंग दिखा दूं, तो छोटा स्टेयरिंग इसके अंदर आपको मिलने वाला है जी। ये छोटा स्टेयरिंग इसके अंदर आपको मिल रहा है, इंडिकेशन कुछ इस तरह की आपको इसके अंदर मिलेगी, ये लाइटिंग वगैरह को कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर यहाँ पे मिलेगा जी सारा सिस्टम। तो किसान साथियों वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।